कैंपियरगंज तहसील के अंतर्गत ग्राम अलगटपुर में शुक्रवार को इंटीग्रेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन स्ट्रेंथ चाइल्ड फोक्स्ड रिस्क गवर्नेंस के अंतर्गत ग्राम आपदा प्रबंधन योजना निर्माण एवं मार्क ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर ग्रामीणों को किसी भी आपात स्थिति में बचने के गुर बताए गए। इस दौरान NDRF ने बाढ़ के दौरान रेस्क्यू करने के साथ साथ तत्कालिक मेडिकल रिलीफ जैसे अभ्यास किया। गोरखपुर क्षेत्र में आपदा से बचाव के लिए यूनिसेफ के अधिकारी मौके पर पहुंचकर मार्क ड्रिल के सहारे तैयारियों और कमियों के बारे में जानकारी हासिल की। आयोजन में मुख्य रूप से यूनिसेफ उत्तर प्रदेश की चीफ फील्ड ऑफिसर रूथ एल लियानो एवं आपदा प्रबंधन अधिकारी डॉक्टर उर्वशी चंद्रा सहित उप जिलाधिकारी मनोज कुमार तिवारी, NDRF, SDRF के अधिकारी एवं जवान और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पढ़ते हैं, मान लीजिए इनका वेट 75 kg है, तो पानी के अंदर जाएंगे, पानी की गहराई पे भी निर्भर करता है, लेकिन मिनिमम मान के चलते एवरेज जो 1/3 वेट होता है, 75 kg है, तो पानी के अंदर जाएंगे तो लगभग कितना केजी हो सकता है, 25 kg होगा। जो एक बॉटल जो है, ये जो 1 लीटर का बॉटल है, वो 4 kg के वेट को कैरी करता है। कितने वेट को कैरी करता है? 4 kg। जैसे कि आप यहाँ देख रहे थे कि बच्चे लोग सिंगल जगह को बांधे थे जो तैर रहे थे, लेकिन हमेशा डबल बांधना है। और ये जो रोप होगा वो कॉटन का होगा, ना कि नायलॉन का होगा। नायलॉन का होने से क्या है कि रोप स्लिप कर सकता है, तो कभी भी आप बांधेंगे तो कॉटन के रूप से बांधेंगे। एक बॉटल के जो गर्दे ले मतलब जो नेक हिस्से में बांधेंगे और नीचे जो है बॉडी हिस्से में जो पीछे की तरफ हिस्सा होता है, कभी भी ध्यान रखेंगे ये जो है वो बंद रहेगा, ढक्कन हमेशा बंद रहेगा, बॉटल पंचर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉटल का जो ढक्कन वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ होने से मुख्य उद्देश्य है कि आप कभी भी पानी भरते हैं तालाब में तो बॉटल को इस तरह से कभी पानी नहीं भर सकते। भर सकते हैं क्या? बहुत कम, बहुत मुश्किल है, कभी भी पानी भरते हैं इस तरह से। तो इसलिए ये नीचे वाले जो गर्दन वाले हिस्सा, नेक वाले हिस्से को उसको नीचे की तरफ करना है, ताकि धोखे से अगर पंचर वंचर भी हो गया या कार्य खुल भी गया तो इतना आसानी से पानी इसके अंदर इंसर्ट नहीं होगा। लेकिन आपको सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखना है, प्रॉपर इसको करना है। इसका बांधने का तरीका चेस्ट में प्रॉपर बांधना है और नॉट इस तरह से होना चाहिए, नॉट प्रॉपर नॉट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉट आप बांधे और स्लिप हो जाए या खुल जाए। अगर नॉट खुलेगा तो आपको चांसेस है कि आप जब टेप ज़्यादा होगा तो वहाँ पे चांसेस खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों जो बाजुओं की मदद से उसको मतलब प्रेशर किया हुआ दबाया हुआ है और इस तरह से आसानी से पानी में तैर भी सकते हैं और पानी में चल भी सकते हैं। जो स्टेटिक वाटर है या करेंट वाटर है उसमें भी आसानी से तैर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है सेम है, आप ड्रम है, ड्रम के माध्यम देख रहे हैं आप, दो ड्रम है और ड्रम में, लेकिन ध्यान रखना है कि इसके अंदर कुछ है क्या? नहीं मैम, इसके अंदर एयर ही है। नहीं नहीं, इसके अंदर कुछ होगा, रबल शुगर हो सकता है। खाली होना होगा ना डब्बा, खाली डब्बा, हाँ खाली होना चाहिए, पंचर नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए। ये जो सूखा नारियल होता है, सूखा नारियल है, इसके अंदर जो गोला होता है उसमें जो एयर फील्ड होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि कभी भी जो एयर फील्ड जो एरिया है उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एयर फील्ड के ऊपर और एयर फील्ड जो एरिया है उसके नीचे बीच में जो एयर फील्ड है, तो इस तरह से जो नारियल का जो गोला होता है वो है सूखा वाला, तो ये क्या है आपको फ्लोट करने में मदद करेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे आप इंसर्ट करेंगे एक गार्ड जरूर बांधना है ताकि आपस में जुड़े ना, दूसरी तरह दोनों तरफ से सपोर्ट करें, ऊपर से भी सपोर्ट दें और नीचे से भी सपोर्ट दें, और ये कॉटन के ही रस्सी का होना चाहिए। जनरली जितने भी आप इंप्रोवाइज फ्लोटिंग गेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉटन के रस्सी से ही टाई होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। तो इस तरह इसका बांधने का तरीका ये है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉटल वाला किस तरीके से, किस काम से, अगर नदी किस किनारे से उस किनारे तक जाना है, हाँ सर, लोगों को चिल्लाने लगता है, बचाने के लिए चिल्लाने लगता है, साथ ही साथ उसका जो साथ आने के लिए, लेकिन ये भी लॉन्ग फीवर होता है जिसकी वजह से उसको भी पहले नहीं आता और दोनों व्यक्ति डूबने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में जो अन्य फीमेल जो होती है उनके द्वारा उनको बचाया जाता है और साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति को भी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बंबू, सूखी बंबू के माध्यम से जो नॉन फीवर व्यक्ति है, जो बचाने जा रहा है वो भी नॉन फीवर व्यक्ति है, वो बंबू के माध्यम से पानी जो है, तो इस कंडीशन में जो दूसरा रेस्क्यूअर है पानी के अंदर जा सकता है और पानी के अंदर जाने के बाद उसको पुनः लाइफ बॉय को क्या करेगा, पानी के अंदर जाके लाइफ बॉय को क्या करेगा, पुनः वो करेगा और बंबू के द्वारा पानी को बाहर निकाला गया है। साथ ही साथ जो दूसरा व्यक्ति निकाला जाता है वो फर्स्ट एड की कार्रवाई को अमल में लाई जाती है और पानी निकालने के उपरांत व्यक्ति को सपोर्ट दिया जाता है और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए
जो मेडिकल हमारा जो बना हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे उसको बचाने के चक्कर में टोटल 5 लोगों की कैजुअल्टी हो गई थी। 5 बच्चे मारे गए थे जो एक ही परिवार के थे, जो डूब के मर गए थे। तो ये इस तरह से हमारा जो पहला सेशन है लगभग कंप्लीट होता है। इस तरह से हमारा जो पहला भाग है वो कंप्लीट होता है। चले जाते हैं और डूबने लगते हैं, और डूबने के दौरान ही उनके द्वारा डूब जाते हैं, और डूबने के दौरान उनके द्वारा चिल्लाया जाता है बचाने के लिए। तभी वहाँ पे स्विमर्स हैं और अच्छी तरह से स्विमिंग को जानते हैं। यहाँ पे एक रस्सी के द्वारा पहला विक्टिम को अटेंड किया जा रहा है, साथ ही साथ दूसरे विक्टिम को आप देख रहे हैं कि वो लाइफ बॉय को अपने पैरों में फंसा के दूसरे विक्टिम तक ले जाता है और उस विक्टिम को यहाँ पे हाथों से पकड़ाता है। जब विक्टिम पूरी तरह से हाथों से पकड़ लेता है लाइफ बॉय को, उसके बाद यहाँ पे एक पहला विक्टिम को आप ले जाए, वहाँ पे हेड टू मेथड के द्वारा विक्टिम को बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे मेथड होते हैं, हेड टू होता है, आर्म टू होता है, वॉइस ग्रिप होता है, इस तरह से विक्टिम को बाहर निकाला जाता है। इस तरह से बाहर निकालने के बाद जब विक्टिम पानी अंदर इंसर्ट कर लिया होता है, तो कभी भी विक्टिम को पानी से बाहर निकालने के लिए आप फायरमैन जो लिफ्ट टेक्निक होता है उस टेक्निक से पानी से बाहर निकाला जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि विक्टिम को जो बजाएगा और यहाँ पे इस तरह से विक्टिम को स्ट्रेचर में लिटाया जाएगा। कि सर एक तरफ होना चाहिए, हमेशा सर हमेशा एक तरफ होना चाहिए और मुंह खुला होना चाहिए। अगर सर एक तरफ होगा तो पानी आसानी से निकल जाएगा। अगर आप सर यहाँ पे सीधा करते हैं तो पानी अगर बाहर निकलेगा तो पुनः पानी को इंसर्ट करने की संभावना रहती है। तो इसलिए जब भी आप ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो सर एक तरफ होना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी अगर पेशेंट को आप रिस्पॉन्स चेक करेंगे, पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करने के बाद अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता है तो आप सर्कुलेशन चेक करेंगे। अगर एडल्ट मतलब मान लीजिए कोई बंदा आते हैं, आप दूसरे विक्टिम को देख सकते हैं कि यहाँ पर उसको पानी निकाला जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेफ्टी प्रिकॉशन को ध्यान में रखा हुआ है। हमेशा जो ड्रिंक ड्राइवर्स होते हैं वो बड़ी सिस्टम में काम करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल होते हैं और इनकी जो ट्रेनिंग होती है काफ़ी डीप वाटर में होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइफ लाइन होता है, अंदर से रास्ता होता है, उसी के माध्यम से सिग्नल दिया जाता है ड्रिप ड्राइवर को, और ड्रिप ड्राइवर उसी के सिग्नल के आधार पर वो काम करता है और उसी सिग्नल के आधार को सर्चिंग पैटर्न को भी करता है। ड्रिप ड्राइवर द्वारा इसकी रिपोर्ट जो है अपने जो कमांडर को दी जाती है, और साथ ही साथ बताया जाता है कि यहाँ पे कोई भी और सस्पेक्टेड विक्टिम नहीं है, और उसके उपरांत ड्रिप ड्राइवर को ऊपर क्लोज किया जाता है। और 2-3 आसानी से किस स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। तो हमेशा इस तरह से पकड़ना है आपको, इस तरह से होल्ड कर। इससे फायदा यह है कि पानी का करंट होगा तो आप स्लिप नहीं करेंगे। 4 आदमी एक साथ इसमें बच सकते हैं ना, लेकिन सिंगल आदमी जब इसको पकड़ेगा तो इस तरह से पलटी हो जाएगा। तो कभी भी इसमें करना है, घंटे तक राप्ती नदी में, घाघरा नदी में, गंगा नदी, किसी भी नदी में उतार दूं, 72 घंटे तक मेरी गारंटी डूबने नहीं देगा। 72 आवर्स में कोई ना कोई आपको रेस्क्यू कर ही लेगा। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं पानी में। राजेश उस्ताद, सिंगल आदमी के भी दिखा दें। इस तरह से आप ट्यूब को अंदर डालने के बाद आसानी से आपका बॉडी फ्लोट होते रहेगा। साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं कि आपका पैर और हाथ दोनों फ्री हो जाता है। और पैर को जैसे जैसे आप मूवमेंट करते जाएंगे उसी उसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे Thank you.